Excellent shot. तो टास्क हो चुके हैं और हमारी टीम टास्क हार चुकी है। दूसरी टीम ने टास्क जीत कर पहले बैटिंग का फैसला किया। यहाँ पे चेंजिंग हो रही है फील्ड के लिए। आधा आ जा वाले जोड़ा हो का ना डोंट आगे अच्छा बस ये बस कंप्लीट हो चुकी है और 253 रन का टारगेट है 35 ओवर्स में। वसीम और शाहरुख भाई रेडी हो चुके हैं ओपन करने के लिए। यासीन ने भी तीन आउट किए आज। यासीन माशाल्लाह से आज आपने तीन आउट किए हैं। रन कितना पड़ा? रन 40 रन पड़ा और तीन आउट किए हैं। तो जो जो लोग फर्स्ट टाइम हैं सबसे रिक्वेस्ट है काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो शुरू करते हैं आज की जबरदस्त चेजिंग वीडियो। बट 253 का टारगेट है, कैसे देखते हो यार चेज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? वसीम तो कहता है कि यार उसकी तबीयत थोड़ी खराब है। हाँ मेरा भाई है, तुम दिल पे क्यों बात रखे हो? भाई मेरा है लेकिन मैं अपनी बात कर। अच्छा अपनी मैं हूं ना यार। अगर 253 में अगर 50 किया ना, 50 किया या फिर 50 प्लस कुछ रन किया ना चेजिंग में, तो देख लो थंबनेल पे सामने तुम्हारी तस्वीर होगी। एक तो वसीम और वसीम के साथ शाहरुख भाई ओपन करने के लिए आ गए हैं दोनों। ज़ुएब करेंगे स्टार्ट दूसरी टीम की तरफ से। 53 का टारगेट है 35 ओवर में, देखना पड़ेगा चेज होगा या नहीं होगा। शाहरुख भाई फेस करेंगे पहली बॉल और नो बॉल। एक्सीलेंट शॉट, चौका गैप में शाहरुख भाई का नो। कवरिंग लेफ्ट सेम सेम एक्सीलेंट शॉट। आखिरी बॉल पे चौका और इसी चौके के साथ यहां पे ओवर कंप्लीट हुआ ज़ुएब का। 14 रन आए ज़ुएब के ओवर में। अगर मौसम की बात की जाए तो धूप निकली हुई है और यहाँ पे बादल हर तरफ छाए हुए हैं। और आप आए हैं नियाजी भाई हमारे ओवर करने, एक साल बाद काफी अरसे बाद ओवर करेंगे नियाजी। नियाजी यहाँ पे पहला बॉल करेंगे काफी टाइम बाद, थोड़ी इंजरी हुई थी और इंजरी से भी कम बैक आ रहे हैं। नियाजी अल्लाह करे मेरे सामने आ जाए तो फिर देखिए जरा।
मिडल नहीं हुआ जल्दी खेल गए ना। हाँ Nyazi, your official over after 8 months has been registered. Good luck for your future. Tarukh bhai ne bhi Babar Azam wali shirt pehni hui hai, aaj hamari team ke Babar bane hue hain. 253 ka target hai. Nyazi ruke. Nyazi ruk jata hai yaar. यहाँ पे ड्रॉप कैच नियाजी की ऑफिशियल आफ्टर 8 मंथ्स डोमेस्टिक में पहली विकेट जाया होगी। यहाँ पे एक और चौका लास्ट वॉल है ओवर का। एक्सीलेंट बॉल, इसी के साथ नियाजी का भी ओवर कंप्लीट हो चुका है। चौका गुड शॉट, चौका यहाँ पे आखिरी बॉल पे। तो यहाँ पे 5 ओवर कंप्लीट हो चुके हैं 44 रन से बगैर किसी विकेट के। अब आए हैं मलिक जी खुद बॉलिंग के लिए जो दूसरी टीम के कैप्टन भी हैं। मलिक जी बांध के रखा है यार आपने तो। इसी के साथ यहाँ पे वसीम एज होके आउट हो चुके हैं। जैब ने आउट किया है, विकेट ले लेना तेरी भी वीडियो आ जाएगी। नहीं तो क्या छूटे इसमें, क्या छोड़ा जो भी है कि तू विकेट लेना, आउट करना बोल्ड कर इसे, देख आउट किया। हाँ फिर ठीक। अब आए साथ बैटिंग पे शाहरुख भाई के साथ देने। और यहाँ पे शाहरुख भाई को भी बोल्ड कर दिया जैब ने, दो आउट हो चुके हैं। शाहरुख भाई के आउट होने के बाद बिलाल आए हैं। यहाँ पे 7 को भी बोल्ड कर दिया मलिक वसीम ने, 3 आउट हो चुके हैं और अभी तकरीबन 80 प्लस कुछ रन हुए, 3 आउट हो चुके हैं। 2 जैब ने आउट किए और एक अभी मलिक जी ने आउट किए हैं, 3 आउट हो चुके हैं। तो नए बैट्समैन बट आए हैं और आज सारी जिम्मेदारी बट पे, क्योंकि जल्दी 3 आउट हो चुके हमारे। वाइट
ओए होए होए है हाय एक्सीलेंट रन बंद बट देख लो बैटिंग आ गई अब उसका साथ देना है पीछे कोई और है नहीं तुम्हें पता रन सारा तुमने और बिलाल ने करना है एज यू आउटसाइड एज और एक रन फाइनली बट Excellent shot. One left. चौदह ओवर हो चुके हैं 87 रन है और वही तीन आउट है ना बॉल बॉल है एक और चौका यहाँ पे नौ बॉल जबरदस्त खेल रहे हो ठीक है आखिर तक जाना इसके साथ देना फिर उसके बाद मैच तुम पे पच्चीस ओवर हो चुके हैं 175 रन और वही तीन आउट है 10 ओवर में 78 रन रह गया और बट का 33 रन और बिलाल के 50 हो चुके हैं बट आज लगता है आपकी 50 देखने को मिलेगी हमें इसी तरह एंड तक जाना है ठीक है सही खेल रहे हो मैच फिनिश कर गया ना तो 12 ओवर में 95 रह गए बट 29 पे खड़े बिलाल के 50 हो गए और देखना पड़ेगा दोनों मैच फिनिश कर पाएंगे या नहीं एक्सीलेंट शॉट लेकिन वहाँ पे फील्डर मौजूद बट फेस करेंगे 30 रन पे खड़े हैं और एक जिम्मेदारी के साथ बैटिंग कर रहे थे अभी तक बट के 35 रन हो चुके 15 रन रह गए 50 के लिए और क्या कमाल की इनिंग खेली आज उन्होंने जबरदस्त बैटिंग की शॉट है बट ठीक है गुड ट्राई नहीं अच्छा था ट्राई अच्छी की बट फेस करेंगे अभी तक इन्होंने जबरदस्त बैटिंग की है बिलाल के साथ उठा के खेला ज़ैब मौजूद और ज़ैब के ऊपर से ये और एक और शॉट बैक टू बैक बट के जाने से दो चौके उस कैच की वजह से नहीं आ रहा जीता होगी
एक और चौका यहाँ पे बिलाल का। हाँ वो लड़के थे। दो दो तीन तीन बताया होगा यहाँ पे बट के 49 रन हो चुके, आखिरी एक रन रह गए 50 के लिए। एक्सीलेंट शॉट और इसी के साथ बट के यहाँ 50 कंप्लीट हो गए हैं। एक्सीलेंट इनिंग बट के, जबरदस्त 50 रन, जबरदस्त 50 रन की बैटिंग की है बट ने। तो यहाँ पे बिलाल आउट हो चुके हैं, बोल्ड हो गए हैं, लेकिन जबरदस्त बैटिंग इन्होंने की, एक्सीलेंट पूरा मैच बनाया और बिलाल आउट हो गए। यहाँ पे नए बैट्समैन नसीब गए बट के साथ। तो 32 बॉलों पे 36 रन रह गए, जबरदस्त ओवर गया ये। तो 29 बॉलों पे 32 रन रह गए। और इसी के साथ यहाँ पे बट आउट हो गए हैं, जबरदस्त बैटिंग के लिए, एक मैच विनिंग इनिंग के लिए उन्होंने 62 रन बनाए उन्होंने और आखिरकार आउट हो गए, लेकिन अब 8 रन रह गए पीछे 15 बॉलों पे। बट आउट हो गए हैं, बट के बाद यासीन आए नए बैट्समैन बैटिंग के लिए और बट ने क्या बैटिंग की आज, क्या जबरदस्त बैटिंग की बट ने आज, पूरा एक मैच फंसा हुआ मैच उन्होंने बट ने वन साइडेड करवाया, जैसे उन्होंने बिलाल के साथ पार्टनरशिप की और बैटिंग की और मैच को आखिर तक ले गए, जबरदस्त बैटिंग बट की। क्या शॉट मारा एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 रन। एक और चौका यहाँ पे। हाँ ये बट ने किस तरह बैटिंग की यार, बट बहुत अच्छा खेला, अच्छा खेला। 45 पे हमारा आग मार गया। क्यों आग क्यों मार गया, बारी नहीं आई ना यार। यार अब चलो बाकी बातें छोड़ो, अब कुछ तो बनता नहीं। बट ने आज 65 कुछ किया। तो इसी के साथ मैच भी खत्म हो गया और हमारी टीम इजीली जीत चुकी है। वन साइडेड तो नहीं था, आखिर में मैच थोड़ा फंस गया था और मैच का सारा क्रेडिट बट और साथ में बिलाल भाई को जाता है, जिस तरह उन्होंने खेला, जबरदस्त बैटिंग की, आखिर तक टीम को लेकर गए। जब वो बैटिंग पे आए थे तब वहाँ पे हमारे 2-3 आउट हो चुके थे अर्ली 60 रन पे और बट और बिलाल ने आके बट और बिलाल ने जिस तरह आके विकेट रोकी, आखिर तक मैच लेकर गए। 45 बॉलों पे 50 किया, ये भी जबरदस्त बैटिंग। तो आज का व्लॉग भी यही एंड करेंगे। तो जो जो लोग फर्स्ट टाइम है तो सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।